सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आ चुकी हूँ मैं एक बार फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है ईमो गैंग के लिए, क्योंकि आज हम द हील एल्बम का सॉन्ग रिएक्ट करने वाले हैं। और वो सॉन्ग का नेम है, मैं बाद में बताऊँगी, पहले चेक कर लेते हैं। फ्रॉम द हील एल्बम बाय ईमो बॉय, म्यूजिक प्राउड बाय 10A, मिक्स एंड मास्टर बाय एस आसाम, लिरिकल वीडियो बाय कृष्णा पटेल तराले। ओके, गाने का नाम है 5 o'clock। तो बिना लेट करते हुए गाना सुनते हैं और देखते हैं गाना कैसा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ पूरा सॉन्ग सुनने के लिए हील एल्बम का, क्योंकि अभी तक जो भी सॉन्ग सुनी हूँ ना मैं, ऑसम है। तो आगे सुनना तो पड़ेगा। तो बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। जहर भी काम दवा का क्या है ये तो बता दो, इस दुनिया में काम वफा का क्या है। सब बदल गए इस मोहब्बत में, पहले जैसी कोई भी बात नहीं। सब बदल गए हो पाती अब खुल के किसी से कोई बात नहीं। सब बिछड़ गए, बस वादे किए थे कि मिलते रहेंगे कभी, वो किधर गए। कुछ कहना है उनसे वो मिलके कहेंगे कभी। ये गाना लिखा मैंने दोस्त आज सुबह 5 बजे, लिखते लिखते नींद आई सो गया मैं 7 बजे। पहाड़ टूट के गिरा मेरे इन दो कंधों पे, तो आगे सुनो मैंने क्या सोचा इन 2 घंटों में। सुनोगे ना या फिर से? हाँ भाई, सुनेंगे सुनेंगे, ऑफ कोर्स सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बोलना है कि ये बहुत ही एकदम न्यू साउंड नहीं कर रहा है इनसीन से इनका। इनसीन के मैं सारे गाने तो अभी तक रिएक्ट नहीं हूँ, बट अभी तक जितने भी रिएक्ट की हूँ बहुत न्यू साउंड कर रहा है। मुझे बताओ नीचे कि इनसीन ने पहले कभी ये चीज़ ट्राई की है, पता नहीं, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तो खतरनाक लिखते लिखते ब्रो। नींद आई सो गया मैं 7 बजे। पहाड़ टूट के गिरा मेरे इन 2 कंधों पे, तो आगे सुनो मैंने क्या सोचा इन 2 घंटों में। सुनोगे ना या फिर से चले जाओगे? नहीं नहीं कहानी है सुनेंगे। अधूरी, तुम अधूरे ही रह जाओगे। दिल कमजोर इस पे हाथ रखे हल्के, बाहर कैसे जाते हैं जिंदगी से निकल के। डार्क वर्ल्ड तभी तो मेरे डार्क सर्कल, वही बच्चा जिसको मिलता है बस डांट हर पल कि तू है ये तू है वो, तू कोई काम का नहीं। सुना इतना लगने लगा सच में मैं कोई काम का नहीं। और कितने दिन मैं सहता यूं अपनी बुराई, कहानी सबकी अपने मन में है बनी बनाई। तो मैं बोलूं या ना बोलूं बात एक ही तो है, मेरा रोना भी अब इनके लिए फेक ही तो है। कहते रोने धोने वाला लड़का लड़का नहीं होता, जो सबका होना चाहे अपने घर का नहीं होता। काश इनके आंखों पे ये पर्दा नहीं होता, तुम देते अगर प्यार में यूं डरता नहीं होता। आज डर कौन बोलता है यार इनसे इनको ऐसी बातें, यार कौन बोलता है भाई। मतलब मुझे इनसे ना बहुत ही इनोसेंट सा लगता है यार, उसके साथ ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती यार। जिस जैसे वो अपने गाने में बताते हैं ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। इनसे इनकी लिरिक्स में भी देखोगे ना तो बहुत मासूमियत रहता है यार। मैं कैसे समझाऊँ वर्ड में, मैं समझा नहीं सकती, बट पर्सनली मुझे बुरा लगता है ये चीज़ जब इनसे इन बोलता है ना, तो सच में यार दिल से बुरा लगता है कि अच्छे लोगों का दिल से कोई कदर क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता। मुझे हर एक शख्स से, मेरी आंखें देखती सभी को शख्स से, क्या खेल खेला तूने मुझे दुनिया में भेज के। सुन ऊपर वाले मुझे बख्श दे, ऐसा नहीं है सहने की न ताकत मुझ में, लेकिन सहना कब तक है ये तो बताया ही नहीं। सच छुपाने की नहीं है आदत मुझ में, झूठ से बढ़ेंगे आगे ये बताया ही नहीं। मेरे से बदतर मेरे लोगों का हाल क्यों, दूसरे औरतों को बोलेंगे हम माल क्यों। पैसा आया फेंक के अपनों के लिए जाल क्यों, घर पे पूछा मुझसे लग रहे इतने साल क्यों। कुछ बनने में देखना माँ, मैंने कहानी लिखी हमारी इस पन्ने में, पर तू ही मेरी कला को इग्नोर करती है। दुनिया देती घाव और वो तू ही भरती है। क्या चल रहा दिमाग में बता नहीं पा रहा, मेरा दोस्त मेरी जान मेरा जान ना रहा। धीरे
धीरे धीरे जिंदगी से वक्त कम रहा, अब बस फूकता हूँ ज्यादा ये कलेजा जल रहा। धीरे धीरे बात आई सीधे मेरे जान पर, अधमरा में हुआ तो भी जाऊंगा मुकाम पर। मैं अपने गानों से बनाऊंगा एक सीढ़ी और उस पे ही चढ़ के मैं जाऊंगा चांद पर। एक दिन खुद में समेटूंगा सब कुछ जो भी मेरी वजह से बिखरा पड़ा। हम दोनों को पता है लड़ेंगे जब भी, तो हंसने को हम पे एक तीसरा खड़ा। जो भी मिलता मुझे मैं तो खुश हूँ सी में, तेरा प्यार मुझे याद अब तक गुम हूँ सी में। बहरान तू ना अब तक मुझे पहचानी, वो परेशान है और मैं हूँ उसका परेशानी। और बस ये उसकी सोच है मैं बदल नहीं सकता, आसानी से कोई इतने जल्दी संभल नहीं सकता। खामोशी मुझ पे हावी, मैं आवाज नहीं करूंगा। रोज कहता हूँ खुद से मैं ये आज नहीं करूंगा। सजाए मौत मिले मुझे अगर गलती मेरी, मेरे करीब होती तू अगर जलती मेरी। वो मुझे नफरत दे के हर जगह है प्यार बांटती, अब मैं सही नहीं तो पहले मुझ में क्या बात थी। नजर न लगे तुझे कभी भी जमाने की, तू जिस चीज को भी चाहेगी तो खुद से उसे पालेगी। काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए, काफी वक्त हो गया है खुद से मिले हुए। कोई ऐसा काम नहीं जो प्यार में है करा नहीं, मेरी तारीफ ना करो मैं अभी मरा नहीं। मत देना कोई भी अपनी दुख बड़ी दुआ, मैंने जो भी सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। सच्चे वाले प्यार को अच्छे से मिला चोट, वो हजार बार कहेंगे इसमें उनका नहीं है दोष। चलिए भी मान के मैं लिया अपने सर पे, तुम बोलने से नहीं डरे तो फिर सुनने से क्यों डरते। सालों बाद भी तुम देखना ये प्यार नहीं मरेगा, किसी और पे तेरा ये यार नहीं मरेगा। इल्जाम है मुझ पे कि मैं कहने पे भी रुका नहीं, क्या छुपाना हाथ शायद कल का देखो सुबह नहीं। मैं तो मन में मेरे आस लेके जी रहा कि शायद आज किस्मत में मेरे तेरा नाम नहीं। पर क्या पता कि कल को चल के मन की बात वो खुद बदल के जिंदगी में ले आओगी शाम। वो जिगर का वो टुकड़ा मेरा अपना जाने किसके पास, बांट दूंगा खुद को लेकिन खोलूंगा ना तेरे राज। मैं वही मिलूंगा तुम देखोगे अगर घूम के, पागल जैसा नाचूं मैं यादों में तेरे झूम के। गुस्से से पागल होना किसको अच्छा लगता है, पर कब तक अपने दर्द को दबाता रहूंगा। तुझे पता है मैं तेरे ऊपर लिखता मेरे गीत, तो ये जान मेरी जान में ये गाता रहूंगा। तेरे लिए तो पीले जहर भी काम दवा का क्या है, ये तो बता दो। इस दुनिया में काम वफा का क्या है, सब बदल गए। इस मोहब्बत में पहले जैसी कोई भी बात नहीं, सब बदल गए। हो पाती अब खुल के किसी से कोई बात नहीं, सब बिछड़ गए। बस वादे किए थे कि मिलते रहेंगे कभी, वो किधर गए। कुछ कहना है उनसे वो मिलके कहेंगे कभी। सॉरी, इनसेन के मैं नहीं सोच के ये गाने स्टार्ट की थी यार, कि ये गाना मुझे इस जोन में फिर से ले जाएगा जिससे मैं अभी तक निकली ही नहीं हूँ अच्छे से। बट ज़िंदगी है, चलना पड़ता है, किसी को साथ लेके किसी को पीछे छोड़ के। जो छूट गया उसको हम चाह के भी वापस ला नहीं सकते, तो उनके बिना चलना पड़ता है, लेकिन उससे दिल खुश नहीं होता है ऑफकोर्स। और ये मैं किसी इंसान की, मेरे तरफ से मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा कोई इंसान, मेरा कोई अपना पीछे नहीं छूटा। मैं उस उतना किसी इंसान को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं कभी, पेरेंट्स फैमिली के अलावा। और वो मेरे साथ है तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का चक्कर है या फिर कोई भी वैसा चक्कर है, वैसा कुछ नहीं है। बस कुछ अपना छूटा है जो
इनसेन के गाने से ना मुझे अभी हिला के रख दिया। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि नहीं अभी मेरे को इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, बट इनसेन है यार, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड है मुझे लगता है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि उसकी लिरिक्स, उसकी गाने का तरीका, उसकी बातों का तरीका, उसकी एक उसका वीडियो भी देखोगे ना इनसेन के, तो एक बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान आपको दिखता है, मुझे हमेशा से दिखता है इनसेन में वो चीज़। जब मैं इनसेन का फर्स्ट सॉन्ग सुनी थी ना, उसी दिन से मुझे कुछ अलग वाइब लगी थी और वो आज तक लगती है। इनसेन ने वो बना के रखी, क्योंकि वो नेचुरली है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी एडिटिंग, किसी कवर की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली है उसके अंदर। तो या गाना बहुत अच्छा था, एक एक वर्ड्स मैं बोलूँगी कमाल का था, बहुत पूरा गाना ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पूरी टीम ने काम किया है, इनसेन ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं इनसेन से और आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि इनसेन के ये एल्बम में ना, मैं जितना भी सॉन्ग अभी तक सुनी सब में ना, पता नहीं क्यों वापस ना आने की, चले जाने की, मर जाने की बातें हैं, मैं नहीं दिखूंगा ऐसा कुछ। तो यार बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि हमारा कोई फेवरेट आर्टिस्ट हमें किसी मैसेज के थ्रू कुछ बोलता है, बट हम उस चीज़ को एज अ लिरिक्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसकी बात पता चलता है कि अरे यार ये तो सच होने वाला था। कितनी बार गाने में हमने सुना है, कितनी बार हमने पोस्ट में मतलब एक हिंट देखा है, बट हमें नहीं पता था, नहीं तो हम वहाँ पे बात करते या मैसेज करते, कमेंट करते, कुछ भी करते, है ना। तो पता नहीं मुझे ऐसा वाइब क्यों आ रहा है, या मैं इस जोन से अभी निकली नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि मेरा अपना चला गया है और पता ही नहीं चला कब ऐसा क्या हो गया, तो इसलिए मुझे लग रही है। लेकिन लिरिक्स में इनसेन ने क्लियरली लिखा है, इस गाने में भी सुनो आप, अगर ऐसा कुछ है तो यार प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ सोचो भी मत। लिरिक्स तक ठीक है, बट इससे आगे मत सोचो, यही बोलना है मेरे को। और बस गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, होप सो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, जिसमें मैं इमोशनल होती हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं बोलती हूँ, आप लोग का जो मन है कर दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। इस एल्बम का सारा ही गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है, क्योंकि सारा ही सॉन्ग बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया सुन के। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर, आप लोग अपना ध्यान रखो, और अगर आपके पास कोई एनिमल है, आप एक एनिमल पेरेंट्स भी हो, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनका भी ध्यान रखो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।